नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूडी पे। फ्रेंड्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 7:15 बजे ट्वीट किया है, 8th of June यानी मतलब आज ही ट्वीट किया है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक NDTV की पोस्ट शेयर की है। तो चलिए देखते हैं इस पोस्ट के अंदर आखिर क्या है। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के अंदर मेन मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, बाकी मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मेन ये है कि CUCET हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं कि CUCET शायद कंडक्ट हो। ये बोला गया है कि DU के जो लास्ट ईयर के एडमिशन पैटर्न था उससे थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है और यूनिवर्सिटी माइट कंडक्ट CUCET टू एडमिट स्टूडेंट्स टू UG प्रोग्राम्स। UG प्रोग्राम्स मतलब वही हैं BSc, BCom, BA प्रोग्राम्स हो गए जो हमारे नॉर्मल लास्ट ईयर तक मेरिट बेस्ड होते थे, उनके लिए भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी CUCET टेस्ट कंडक्ट करे। मतलब जैसा कि अभी बीच में लग रहा था कि CUCET नहीं होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे, अभी फिर से यूनिवर्सिटी ने CUCET कंडक्ट हो सकता है ऐसी बात बोल दी है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही अपडेट था, एक छोटा सा अपडेट था, तो मैंने डायरेक्ट वीडियो बना दी आपके लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, और आपको क्या लगता है CUCET होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में। धन्यवाद।